बच्चों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 ईंटे, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर्स के साथ सीखेंगे। इससे एक फायदा तो आपको ये होगा कि शॉर्ट में किस तरह से नोट्स बनाया जाता है ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और दूसरा कि सिर्फ मेन पॉइंट या जिसको हम लोग वैल्यू पॉइंट कहते हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, सिर्फ उनको पढ़ करके किस तरह से एक लंबे क्वेश्चन को याद किया जाता है ये भी आज आप सीखेंगे। इसलिए आप यदि इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही हर बार मुझे बच्चे बताते हैं कि आपके नोट्स बहुत अच्छे होते हैं, तो इस विषय पर मैं एक लाइक तो बनता है, साथ ही आपको जैसा भी लगता है आप एक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते चलिए। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 मार्क्स क्वेश्चंस विद आंसर्स। आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में आपको 8-8 नंबर के 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं और वो कुल 24 मार्क्स के होते हैं, जो कि अच्छा खासा शेयर होता है आउट ऑफ 80 मार्क्स। और इन 8 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर आपको 350 वर्ड्स में लिखने होते हैं। तो देखिए, ये सबसे जो पहला क्वेश्चन है, देयर आर इंडिकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजंस बीइंग टेकन एंड इंप्लीमेंटेड इन हड़प्पन सोसाइटी, एक्सप्लेन। हड़प्पा में जटिल फैसले लेने और उन्हें क्रियान्वित करने के संकेत मिलते हैं, स्पष्ट कीजिए। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो इसका मतलब है कि हड़प्पा में कोई राजा भी हुआ करता था क्या? हड़प्पा में शासन कौन चलाता था जो इतने बड़े बड़े फैसले लेता था और इतनी बढ़िया ये सभ्यता चलती थी? यह प्रश्न इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के लिए, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2019 में ये सवाल पूछा गया था। इसलिए ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको बहुत अच्छी तरह से याद करिए। चलिए अब इसका उत्तर देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि देखिए, हड़प्पा में जो भी पुरा वस्तुएं मिली हैं, चाहे वो मुहरें हो, चाहे वो बाट हो, चाहे वहां की ईंटें हो, उन सब में एक रूपता देखने को मिलती है। यानी कि पूरे हड़प्पा में आप टहल जाइए और कहीं से भी मुहरें उठा लीजिए, कहीं का भी बाट ले लीजिए, कहीं की भी बिल्डिंग्स की ईंटें देखिए, वो आपको एक जैसी दिखेंगी। तो यदि आप ये एक रूपता शब्द को ही याद रखें कि वहां के मिले हुए वस्तुओं में एक रूपता थी, एक जैसे दिखते थे, तो आपकी बात बन जाती है। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि अलग अलग कारणों से विशेष स्थान पर अलग अलग बस्तियां बनाई होंगी। ये बात तो बिल्कुल सच है, क्योंकि अगर हम बात करें नागेश्वर की या लोथल की या चनहूदरो की, तो ये ऐसे शहर थे जहां पर में आपको पता है कि शिल्प का काम या मनके बनाने का काम हुआ करता था। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग बस्तियां अलग अलग उद्देश्य से बनाई जाती थी। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि ईंट बनाने, विशाल दीवारें बनाने और चबूतरों को बनाने के लिए श्रम संगठित किया जाता था। यानी कि वहां पर मजदूरों की मदद से ईंट बनाने का काम होता था, बड़ी बड़े दीवारें बनाई जाती थी और चबूतरे भी बनाए जाते थे, और आपको पता है कि इन चबूतरों के ऊपर ही घर बनाए जाते थे। साथ ही पॉइंट नंबर 4 देखिए, यहां पर हमें एक बहुत बड़ा भवन मिला है जिसे कि प्रासाद कहा गया है। प्रासाद का मतलब ही होता है बहुत बड़ा महल। तो अगर महल है तो निश्चित रूप से किसी राजा का होगा। अब यहां पर मैं एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसको कि इतिहासकार कहते हैं कि भाई ये पुरोहित राजा होगा। तो पुरोहित राजा क्या करता होगा?
तो पुरोहित राजा पूजा पाठ भी करता होगा और साथ ही वो राजकाज भी चलाता होगा, ऐसी मान्यता है। और एक बात ये भी कही जाती है कि कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, हड़प्पा में कोई शासक नहीं हुआ करते थे, सभी लोग समान सामाजिक स्थिति के लोग थे, कोई शासक नहीं था, सभी लोगों की स्थिति समान थी, इसीलिए सब कुछ समान समान दिखता है। तो ये भी एक सोच है। और वहीं पर मैं कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि नहीं नहीं एक शासक नहीं कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो का शासक अलग होता होगा, हड़प्पा का शासक अलग होता होगा। अब इसको इस तरह से हम आप समझ सकते हैं कि जैसे आजकल भारत देश के अंदर जितने भी राज्य हैं, मान लीजिए कि 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य के अलग अलग मुख्यमंत्री हैं जो उन राज्यों का शासन चलाते हैं। उसी तरह से कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि वहां पर एक नहीं अलग अलग शहरों के अलग अलग राजा हुआ करते थे। तो ये अलग अलग सोच है। और एक सोच में ये भी कहा गया है कि ना ना हड़प्पा तो एक ही राज्य था भाई, पूरे हड़प्पा में चाहे वो जितने भी बड़े इलाके में फैला हुआ था वहां पर में एक ही राजा था, ये भी मान्यता है। छठे पॉइंट में कहा गया है कि कई शासक, लेकिन सातवें पॉइंट में कहा गया है कि नहीं एक ही राज्य, और एक ही राज्य तो फिर एक ही शासक हुआ करते थे। और इन सारे अलग अलग बातों को अगर आप ध्यान दें तो ये जो अंतिम वाली बात, ये देखिए अंतिम परिकल्पना यानी कि पॉइंट नंबर 7 में जो बात कही गई है कि पूरा हड़प्पा एक ही राज्य होगा और वहां एक ही राजा होगा, ये ज्यादा सटीक माना जाता है। क्योंकि इतने बड़े इलाके में इतना ज्यादा बड़ा शासन और उसके लिए लिए जाने वाले निर्णय और उनको कार्यान्वित करना इतना आसान काम नहीं था, इसलिए कोई एक ही राजा होगा जो पूरे क्षेत्र पर राज्य करता होगा, इस बात को ज्यादा सटीक माना जा रहा है। यह है पहले प्रश्न का उत्तर। अब आइए हम बात करते हैं दूसरा प्रश्न का। और दूसरा प्रश्न कहता है परहैप्स द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स, डिस्क्राइब द स्टेटमेंट। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था, इस कथन की व्याख्या कीजिए। बच्चों टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां देखिए और टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाइए, क्योंकि वहां आपको हिस्ट्री के जो दूसरे स्टडी मटेरियल्स हैं वो भी दिए हुए हैं, तो उसका भी फायदा आप उठा सकते हैं। और इस प्रश्न के उत्तर में मैं आपको बताऊं कि ये 8 नंबर का सवाल है, लेकिन इसी में आप देखेंगे कि 3 नंबर के भी सवाल बनेंगे। तो अगर 3 नंबर का सवाल बनेगा तो उतना ही उत्तर लिखना है, अगर 8 नंबर का पूछना है तो ये सारा कुछ लिखना है। तो देखिए जब आपसे ये पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था तो आप किन किन बातों की चर्चा करेंगे इसके उत्तर में, तो सबसे पहले वहां की बस्ती के बारे में बताएंगे। और ये बताएंगे कि अगर हम हड़प्पा के बस्तियों के बारे में बात करें तो हड़प्पा की बस्तियां 2 भागों में बटी हुई थी, एक ऊंचाई पर था और दूसरा नीचे की तरफ था। और जो ऊंचाई वाला हिस्सा था हड़प्पा का उसको दुर्ग कहा जाता था और जो नीचे बनाया हुआ था उसको निचला शहर कहा जाता था। दुर्ग में पहले चबूतरा बनाया जाता था और वो कच्ची ईंटों से बनता था, उसके बाद उसके ऊपर घर बनाया जाता था, फिर पूरे दुर्ग वाले इलाके को दीवारों से भी घेरा गया था और निचले शहर से इसको अलग कर दिया गया था। हालांकि निचला शहर नीचे बसा हुआ था लेकिन बहुत बड़ा था और इसको भी दीवार से घेरा गया था ताकि दुर्ग से इसको अलग किया जा सके। और यहां भी कई ऐसी बिल्डिंग्स मिली हैं जिनको चबूतरों पर बनाया गया था और ये चबूतरे हड़प्पा के घरों के लिए नींव का काम करते थे। तो बस्ती के बारे में ये 3 पॉइंट बता दीजिए। उसके बाद ये जल निकास प्रणाली की बात कीजिए, क्योंकि देखो बच्चों ये अलग से 3 नंबर का सवाल आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के जल निकास प्रणाली की विशेषताएं बताइए। तो अगर जल निकास की प्रणाली या फिर वहां का जो नगर नियोजन था इसके बारे में सिर्फ पूछ लिया जाता है तो आप ये पॉइंट्स जो हैं आप बता सकते हैं अपने उत्तर में। तो ये कहता है कि भाई देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहां की जो सड़कें थी और यहां की जो गलियां थी वो ग्रिड
पद्धति पर बनाई गई थी और यहां की सड़कें और गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई चलती थीं, यानी कि पूरी तरह से प्लान्ड सिटी था। और जहां तक सवाल है नालियों का, तो नालियों को गलियों के साथ साथ बनाया गया था, और जब नालियों का निर्माण हो जाता था गलियों के साथ साथ, तो उसके अगल बगल में फिर वहां पर बिल्डिंग्स बनाए जाते थे। और घरों का जो गंदा पानी होता था वो नालियों में चला जाए, इसलिए हर घर का जो एक दीवार होता था वो गली से सटा हुआ होता था, और पाइप के माध्यम से घर का जो गंदा पानी होता था वो गली के नाली में चला जाता था, और फिर वहां से निकल करके जो मेन सड़क के साथ बनी हुई नाली होती थी उसमें चला जाता था, और फिर उसके बाद वहां से पूरे शहर से बाहर गंदगी हो जाती थी। तो यदि आपको सिर्फ जल निकास प्रणाली के बारे में पूछा जाए तो ये पॉइंट नंबर 4, 5, 6 को 1, 2, 3 बना दीजिए और आपका उत्तर कंप्लीट हो गया। इसके बाद वहां के स्थापत्य के बारे में, गृह स्थापत्य के बारे में जरूर बताएं। और अगर 8 नंबर का सवाल है तो फिर ये पॉइंट नंबर 7 हो जाएगा कि हर घर में एक आंगन होता था और आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे, बीच में आंगन होता था और उसके चारों ओर कमरे होते थे। और इसका कारण ये होता था कि आंगन में महिलाएं बहुत सारा काम कर लेती थीं, जैसे खाना बनाने का काम या बर्तन धोने का काम या फिर कपड़ा धोने का काम भी। अच्छा, एक यहां खासियत ये थी कि यहाँ के लोग प्राइवेसी को यानी एकांत को बहुत महत्व देते थे, इसीलिए ये लोग जो घर बनाते थे ना तो उसमें जो ग्राउंड फ्लोर होता था उसमें वो खिड़कियां नहीं देते थे बिल्कुल। और साथ ही आंगन का जो मेन गेट होता था ना, मुख्य द्वार होता था ना, वो ऐसे जगह पे बनाया जाता था यहां से अगर आप चाहें तो झांक करके भी आंगन में सीधा नहीं देख सकते थे, इसलिए आंगन को अंदर की तरफ और बाहर का जो मुख्य गेट होता था, मुख्य द्वार होता था, उसको इस तरह से बनाया जाता था कि आंगन सीधे ना दिख पाए रास्ते से। और हर घर में एक खास बात यह होती थी कि ईंटों के फर्श से बना हुआ एक बाथरूम होता था, और उस बाथरूम से एक नाली दीवार से होते हुए सड़क के नालियों से जुड़ी होती थी। और कुछ घर तो ऐसे भी होते थे जिसमें ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ फर्स्ट फ्लोर भी होता था, तो वहां तक जाने के लिए सीढ़ियां भी यहां पर में बनाई जाती थी। और एक खास बात यह थी कि यहां घर के जो मेन गेट होते थे उनके बाहर कुएं बने हुए होते थे, ताकि अगर मेन रास्ते से जाते हुए किसी व्यक्ति को प्यास लग जाए तो उस कुएं से पानी निकालकर पी भी सकता था। तो अगर गृह स्थापत्य कला की बात की जाए तो ये सारी उत्तर आप उसमें डाल देंगे। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि गिव एग्जांपल्स टू शो हरप्पन कंटैक्ट विथ डिस्टेंट लैंड्स, सुदूर क्षेत्रों से हरप्पाई लोगों के संपर्क का उदाहरण दीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि हरप्पा के लोगों का जो संबंध था दुनिया के दूसरे देशों के साथ भी था, कैसे ये आपको उत्तर में बताना है। तो बच्चों एक बात का ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपको ऊपर एक आई बटन दिखेगा, और उस आई बटन में आप देखेंगे कि कोई ना कोई इंपॉर्टेंट जो वीडियो हमने पहले से डाला हुआ है उसका नाम लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर अगर आप टच करते हैं तो वो पहले वाला जो वीडियो है वो खुल जाएगा, और वहां से अगर आपने नहीं देखा है तो उनको आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही वीडियो के अंत में जो एंड स्क्रीन होता है वहां पर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने डाला हुआ होता है, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। और साथ ही वहां पर भी एक बटन है जिसको अगर आप प्रेस करेंगे तो वहां से डायरेक्ट आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से उदाहरण इतिहास में मिलते हैं जिससे ये पता लगता है कि हरप्पाई लोगों का विदेशियों के साथ भी संपर्क हुआ करता था। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कहता है कि तांबा ओमान से लाया जाता था।
ओमान एक देश है, और वहां पर में जो तांबा था वो हड़प्पा आता था, और ओमान से जो तांबा आता था वो, और हड़प्पा में जो वस्तुएं बनती थी उनमें जो तांबा मिलता है, दोनों में निकल के अंश मिले हैं। तो ओमानी तांबा हो चाहे हड़प्पाई तांबा हो, दोनों में अगर निकल के अंश हैं, इसका मतलब यह था कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संपर्क हुआ करता था। साथ ही हड़प्पा में एक विशेष किस्म का मर्तवान बनता था। यह मिट्टी का बर्तन होता है जिसपे काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, और यह मर्तवान बनता तो था हड़प्पा में लेकिन मिला है ओमान में। तो इसका मतलब यह हुआ कि निश्चित रूप से हड़प्पा से कोई ना कोई चीज उस मर्तवान में डाल करके ओमान भेजा गया होगा। और पॉइंट नंबर तीन क्या कहता है, देखो कि मेसोपोटामिया के लेखों में मगन संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त होता था। तो अब ये एक नंबर का भी ये सवाल यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि अच्छा बताइए ओमान को किस अन्य नाम से पुकारा जाता था, तो आपका जवाब होगा मगन। तो इसका मतलब है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे भी निकल का अंश मिलता है। तो यदि हड़प्पा से तांबा मिला, ओमान से तांबा मिला, या फिर मेसोपोटामिया से तांबा मिला, और तीनों ही जगह के तांबे में अगर निकल का अंश मिल रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि इन तीनों देशों का, मेसोपोटामिया का, ओमान का जिसे कि मगन भी कहते थे, और हड़प्पा का, एक दूसरे के साथ व्यापार होता था। तो अब आपको समझ में आ गया कि हड़प्पा का व्यापार मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया यानी जिसको आजकल का हम लोग इराक देश कहते हैं उसके साथ, और ओमान के साथ भी होता था, क्योंकि उन जगहों पर में हड़प्पा की मुहरें भी मिली हैं, हड़प्पा के बाट भी मिले हैं, हड़प्पा के पासे भी मिले हैं, यहां की मनके भी उन जगहों पर मिली हैं। तो निश्चित रूप से वहां चूंकि इन चीजों को भेजा गया था तब भी मिला है। और मेसोपोटामिया के ही उस समय के लेखों को अगर आप पढ़ेंगे तो दिलमुन या बहरीन भी एक देश है दोस्तों आजकल, जिसको कि हमारे हड़प्पा के साथ जो व्यापार होता था उसके बारे में मेसोपोटामिया के लेखों में जानकारी मिलती है। तो ये दिलमुन कहलाता था उस समय में, और मेलुहा, जिसको कि हड़प्पा के लिए मेलुहा शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, बहरीन के लिए दिलमुन शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, मगन ये जो है ओमान के लिए इस्तेमाल होता था। तो नाम अलग अलग जरूर थे लेकिन इन सारे देशों का एक दूसरे के साथ व्यापार होता था। अब देखिए मेलुहा यानी कि हड़प्पा से जो चीजें उन जगहों पर जाती थी वहां भी इन चीजों का उल्लेख मिलता है, जैसे कर्नीलियन, लाजबर्त मनी, तांबा, सोना, अनेक तरह की लकड़ियां जो यहां से एक्सपोर्ट की जाती थी उन देशों में, वहां के लेखों में इन चीजों की जानकारी मिलती है, यानी कि दोनों देशों का आपस में संबंध होता होगा। और मेसोपोटामिया में एक कहानी में यह भी लिखा हुआ है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, और ऐसा माना जाता है कि हाजा पक्षी मोर को कहते थे, और मोर मेसोपोटामिया में नहीं होता था, तो मोर सिर्फ जो है हड़प्पा में पाया जाता, इसीलिए वहां के कहानियों में इस तरह की बातें कही जाती हैं। और साथ ही जो आप उस समय के जो जहाज देखेंगे तो, और नाव देखें, वहां की मुहरों को देखें, तो मुहरों के ऊपर आपको नावों के चित्र मिलेंगे, वहां पर मैं आपको जहाजों के चित्र मिलेंगे। तो नाव और जहाजों के चित्र अगर मुहरों पे मिलते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उन जहाजों से और नावों से ये सारे सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते होंगे। तो इसीलिए मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा यानी कि हड़प्पा को नाविकों का देश कहते थे, क्योंकि यहां के लोग नावों से सामान दूसरी जगहों पे भेजते थे, और वहां से जो भी इंपोर्ट करना होता था वो भी नाव से करते थे। तो बच्चों इस तरह से हमने ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न 8 मार्क्स के पढ़े, और अगर 8 मार्क का कोई क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछा जाना है तो इसी तीन में से एक पूछा जाएगा, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से याद करिएगा। ऑल द बेस्ट।